नहीं, बस गुरमीत को विश करने आए हैं। एक्साइटमेंट कैसे विश करें, जैसे हर किसी बर्थडे बॉय को विश करते हैं वैसे विश करेंगे। और गुरमीत देवीना हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं और बहुत खुशी की बात है कि गुरमीत हैज़ बिन लॉन्च्ड एज अ हीरो। लोगों ने बहुत पसंद किया है और ऑफकोर्स आज उनका जन्मदिन है तो ये एक बहुत खास जन्मदिन है उनके लिए। एक्चुअली मेरी वाइफ भी उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनको नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट जिस तरह से ही इज वर्क वेरी हार्ड सम रियलिटी शोज के भी जिस तरह से विनर्स हुए हैं एज अ डांसर एंड फियर फैक्टर में भी एंड ऑल द वेरियस पार्टिसिपेंट, तो इंसान की जो ट्रू कैरेक्टर है उसमें भी निकल कर आती है। सो ही इज़ अ वेरी इज अ टफ गाय येट अ वेरी वार्म सेंसिबल पर्सन, तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड ऐसे यंगस्टर्स को कामयाबी मिली तो हम सबको खुशी होती है। नहीं, मैच पूरा तो नहीं देख पाया लेकिन जहाँ जहाँ जा रहा था बीच बीच में रुक रुक कर मैच देख रहा था और बहुत मज़ा आया। एंड फिनिश घर में आकर देख पाया मेरे बच्चों के साथ तो बहुत धमाल किए, मज़ा आया। आई थिंक अगर कोई साइकोलॉजिकल असर है तो उस प्लेयर को लेना चाहिए। कुछ कुछ प्लेयर्स तो जैसे अगर मेरे शो में राधिका आकर बैठी है और शो देख रही है तो मुझे और भी जोश आता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं ताकि वो और इम्प्रेस हो, देखकर कहे कि हाँ यार आज तुमने अच्छा किया। तो शायद कई प्लेयर्स को ऐसा भी लगता होगा कि उनके गर्लफ्रेंड के आने से उनको और हौसला अफजाई मिलती है। जिनको नहीं लगता होगा वो अपने गर्लफ्रेंड्स को बेशक घर रखें, लेकिन BCCI ये डिसीजन लिए लाए, ये इट्स पर्सनल। आई थिंक जी, आई जस्ट वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट ही मेक्स हिज होल फैमिली प्राउड और बहुत अच्छा काम करते रहे। अच्छा गिफ्ट है मगर एक्चुअली मोर देबिना के लिए है। थैंक यू। मेरा ऐसा मानना है, मैं गुरमीत के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। जिस नहीं ये पलक बोल रही है ना तो चाहेगी ना, मैं आपको अगर नहीं जम रहा है तो नहीं करता। क्योंकि पलक विश करना चाहती है गुरमीत को तो वो अपने अंदाज में जिस फील्ड में भी ये जाते हैं ये हमेशा जाते हैं जीत, जिस फील्ड में भी ये जाते हैं जो भी ट्राई करते हैं ये हमेशा जाते हैं जीत। ये है वन एंड ओनली वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय फ्रेंड गुरमीत। ये गुरमीत हैप्पी बर्थडे। यार ये आप यार ये हर जना ये सवाल क्यों पूछता है भाई, क्या गिफ्ट लेकर आया? गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं, वो मेरी जेब में है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, सीक्रेट है। यार मैं क्या शुभकामनाएं दूं, उन्होंने हमारा दिल खुश कर रखा है यार। आज का जो मैच था वो देखकर तो मजा ही आ गया, मतलब इंडिया रॉक्स यार। मौका मौका मौका। अच्छा अभी ठोका हो गया, चलो थैंक यू यार। सुपर मैच खेला टीम इंडिया ने, बहुत मज़ा आया देखकर। और वर्ल्ड कप के लिए मेरी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और यही आशा करता हूं जैसे आई थिंक हर इंडियन करता है कि हम वर्ल्ड कप फिर जीतें। ठीक है, थैंक यू। आता हूं। Very happy birthday, you know I love you, we all love you, a big hug to you and lots of kisses to you. Aaj world cup mein india ne south africa ko bhi hara diya to kitna khaas hai aapke liye. Go india go, hamare ko fir se is baar world cup chahiye like last time. I wish hum log is baar bhi kar paaye. Upcoming projects,
मेरे लिए अभी सिर्फ तारक मेहता मेरी पूरी लाइफ और पूरी ज़िंदगी है एंड मैं फ़िलहाल और कोई चीज़ अभी फ़िलहाल सॉरी आई एम स्वेटिंग अ लॉट सो फिलहाल मैं अभी तारक मेहता की और एक सक्सेस पार्टी से भी आ रही हूँ सो एज ऑफ नाउ तारक मेहता इज़ द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग एंड इन फ्यूचर कभी भी कुछ अच्छी चीज़ होगी फॉर श्योर इंशाल्लाह आई एम गोना लेट यू नो खास तैयारी अभी तो फैन मैं बोलूँगी तो मेरे प्रोड्यूसर मुझे मार डालेंगे बिकॉज जो भी स्टोरीज आते हैं हमारे लिए बहुत टाइट लिप्ड हम लोगों को रहना पड़ता है बट होली इस बार भी हम लोग शायद खेलेंगे और हमेशा बहुत धमाल मस्ती के साथ खेलते हैं इतना खेलते कि मुझे होली के दिन होली खेलने का मन नहीं होता है सो आई गेस वी आर गोइंग टू बी डूइंग द सेम थिंग अगेन टुडे दिस टाइम थैंक